Hello, Lily here. Today we are starting with class 3, chapter 11 of your Hindi textbook. And the name of the chapter is Hamari Bhi Suno, Ucharan Abhyas, Pyar, Lombi, Swarthi, Ujar, Ashri, Nasht. बड़े प्यार से साथ में मिलकर हम जंगल में रहते थे। हाथी, चीता, हिरन, लोमड़ी सब उसको घर कहते थे। पर मानव की नजर स्वार्थी जंगल तक भी पहुंच गई। हरी भरी हम सब की दुनिया पल भर में ही उजड़ गई। हरे भरे जंगल उजाड़ कर अपने भवन बना डाले। जोते अपने खेत वहीं पर सब साधन सुलभ करा डाले। सब पिटारा जंगल वन मानव मनुष्य स्वार्थी अपने हित के लिए। आश्रय चीन हमारा मानव हमको ही आज डराता है। कहता हम खेतों में घुसते हम पर इल्जाम लगाता है। अगर नष्ट नावन को करते अपनी सीमा को पहचान तो हम ना शहरों में घुसते बात समझ लो अब इंसान। शब्द पिटारा आश्रय कर इल्जाम दोष इंसान मनुष्य। कलम से पशु कहाँ रहते थे जंगल में। जंगल तब किसकी स्वार्थी नजर पहुंच गई मानव की। मनुष्यों ने पशुओं का क्या छीन लिया आश्रय। प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न एक हाथी चीता हिरन लोमड़ी किसे अपना घर कहते थे। हाथी चीता हिरन लोमड़ी जंगल को अपना घर कहते थे। प्रश्न दो पशुओं की हरी भरी दुनिया किसने उजाड़ दी। उत्तर पशुओं की हरी भरी दुनिया मानव ने उजाड़ दी। प्रश्न तीन मानव पशुओं पर क्या इल्जाम लगाता है। मानव पशुओं पर अपने खेतों में घुसने का इल्जाम लगाता है। प्रश्न चार पशुओं के शहर में घुसने का क्या कारण है। मानव ने वनों को नष्ट कर दिया है इसलिए पशु शहर में घुस आए हैं। कविता के आदर पर खाली स्थान भरो। क पशुओं का घर जंगल होता है। मनुष्य की स्वार्थी नजर जंगल तक पहुंच गई। मनुष्यों ने जंगल काट कर अपने भवन बना लिए। मनुष्य ने पशुओं का आश्रय छीन लिया। उचित विशेषण से खाली स्थान भरे। कठिन ऊंची ऊंची जंगली स्वार्थी। ख जंगली पशु शहर में घुस आए। स्वार्थी मनुष्य ने जंगलों को नष्ट कर दिया। मनुष्यों ने ऊंची ऊंची इमारतें बनाई। जंगलों के काटने से पशुओं का जीवन
कठिन हो गया। सामान्य शब्द लिखो, घर भवन गृह, जंगल वन कानन, पर्वत पहाड़ गिरी, बादल मेघ नभ। दिए गए नाम स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, लिखो, हाथी पुल्लिंग, लोमड़ी स्त्रीलिंग, बेर पुल्लिंग, बकरी स्त्रीलिंग, चीता पुल्लिंग, हिरण पुल्लिंग, भेड़िया पुल्लिंग, शेरनी स्त्रीलिंग। So if you enjoyed my video, please do like, share and subscribe, and thank you so much for watching.